स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल व्हीकल टीवी पे। हमारे इस चैनल पे जो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियोज पे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, जिसमें वो बोल रहे थे कि सर जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया है, तो उसमें कितना फाइन लगेगा, जब हम रिन्यूअल करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज उसमें लगेगा, तो इसकी जानकारी आप बता दीजिए। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर देते हैं परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर देते हैं। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा आपका स्टेट है। अब इस तरीके से जो ऑफिशियल पेज उस स्टेट का वो ओपन होके आ जाएगा। अब स्किप पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको क्या करना होगा रिन्यूअल के लिए, जब आप अप्लाई करोगे रिन्यूअल के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल पे या डीएल सर्विसेज सेव कर सकते हो, या ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके सर्विसेज और डीएल पे क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा, इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के बॉक्स पे क्लिक करोगे, गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो लाइसेंस की डिटेल ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ से आप अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे ही आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, डीएल रिन्यूअल के लिए अप्लाई करोगे, जैसे ही आप अप्लाई कर लोगे इस तरीके से अक्नॉलेजमेंट या रेफरेंस स्लिप आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ डीएल आपको दिख सकता है, या रिवैलिडेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस दिख सकता है, डीएल रिन्यूअल विद रीटेस्ट दिख सकता है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा या यहाँ पे भी दिख जाएगा, और एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल पे भी एसएमएस के रूप में आ जाएगा। जो एप्लीकेशन का एसएमएस है वो आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा। तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो लाइसेंस की एप्लीकेशन है उसमें कितना फ़ाइन लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल में कितना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, कितना फ़ाइन लगेगा, तो इस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू देख सकते हो। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दो चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इस एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पे फीस पेमेंट पे क्लिक करोगे और फीस पेमेंट्स पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। ई पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा और एप्लीकेशन फीस पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे वो जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ था वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे और क्लिक हेयर टू कैलकुलेट फीस पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको फाइन दिख जाएगा। तो हमारा जैसे रिन्यूअल ऑफ डीएल है तो हमारे में कोई फाइन नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे 00 दिखा रहा है। जो भी आपके में फाइन लग रहा है तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये जो फाइन है अगर आपका लाइसेंस एक साल के अंदर एक्सपायर हुआ है तो यहाँ पे 00 दिखाएगा। वहीं अगर एक साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, जितना ज़्यादा टाइम होगा, अगर सपोज कीजिए दो साल का हो गया है, तीन साल का हो गया है, चार साल का हो गया है, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता रहेगा एक्सपायर को लाइसेंस को, तो उस केस में यहाँ पे जो फाइन है वो भी बढ़ता रहेगा। तो अलग अलग लाइसेंस के केस में इसमें जो फाइन है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर कम टाइम हुआ है एक्सपायर हुए, सपोज कीजिए एक साल से ज़्यादा टाइम हुआ है, तो उस केस में थोड़ा कम लगेगा। वहीं अगर दो साल हो गया तो उसमें और ज़्यादा फाइन लगेगा, तीन साल का टाइम हो गया एक्सपायर हुए तो उसमें और ज़्यादा फाइन लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा एक्सपायर हुए, जितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा लाइसेंस को एक्सपायर हुए, उस केस में यहाँ पे फाइन जो है वो ज़्यादा बढ़ता रहेगा। वहीं अगर एक साल के अंदर एक्सपायर हुआ है तो कोई भी फाइन नहीं लगेगा। एक साल से ज़्यादा हो गया है तो उस केस में फाइन कम लगेगा, दो साल का हो गया है तो उस केस में थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज आपके लाइसेंस में लगेगा वो फाइन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। नीचे की तरफ आओगे तो या तो यहाँ पर दिख जाएगा या यहीं पर फाइन वाले सेक्शन भी नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा। तो ये पूरी जानकारी है जी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी लाइसेंस रिन्यूअल से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हो तो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, ठीक है, डीएल रिन्यूअल से रिलेटेड। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सीधा आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये जो वीडियो है इसमें कम्प्लीट प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, ठीक है जी। बाकी सोशल साइट पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पर क्लिक करोगे, इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक आपको दिख जाएंगे, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। प्लेलिस्ट की बात करें
तो हम इस चैनल पर ओनली लाइसेंस और व्हीकल रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहते हो देख सकते हो। ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।